पाकिस्तान में द डॉन के पत्रकार सिरिल अलमेड़ा पर सरकारी सख्ती का विरोध कई देशों में अब होने लगा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान में पत्रकारों की बुरी स्थिति पर चिंता जाहिर की है, तो पाकिस्तान में मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मांग की है कि सिरिल अलमेड़ा पर लगाई गई पाबंदी फौरन हटाई जाए। आतंकियों से लोहा लेने का दावा करने वाला पाकिस्तान फिलहाल एक पत्रकार की कलम को कुचलने पर आमादा है। शरीफ सरकार द डॉन के पत्रकार सिरिल अलमेड़ा को उसकी रिपोर्ट की सजा देने पर उतारू है। अब तो हालत ये है कि अमेरिका तक ने पाकिस्तान में पत्रकारों के बुरे दिन पर फिक्रमंदी जाहिर की है। First of all, I'm aware of the reports of restrictions on Mr. Almeida's travel. I would refer you to the government of Pakistan for information on that. On press freedom, it's obviously an issue that we continue to raise regularly with the government of Pakistan, including our concerns about the difficulties and the dangers that journalists face there. We're concerned about any efforts to limit press freedom or the ability of journalists to conduct their very, very important. पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच टकराव की पोल खोलने वाले पत्रकार के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार से मांग की है कि वो फौरन डॉन के पत्रकार पर लगाई गई यात्रा की पाबंदियों से उन्हें मुक्त करें, लेकिन अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। दो दिन पहले अलमेड़ा ने ट्वीट किया था, उलझन में हूँ, दुखी हूँ, कहीं जाने का कोई इरादा नहीं था, यह मेरा घर है पाकिस्तान। सिरिल अलमेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ के बीच मतभेद का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि पाक सरकार और सेना के बीच दरार की वजह आतंकी समूह हैं जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं और भारत अफगानिस्तान में हमले करते रहते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही उनकी दिक्कतें शुरू हो गई। आज तक ब्यूरो।